राजस्थान में कितनी कारगर होंगी रानी? क्या सचिन और गहलोत चल पाएंगे साथ साथ? मध्य प्रदेश में मामा का कायम रहेगा राज, या कमल बनाएंगे कांग्रेस को नाथ? किसका बजेगा डंका, किसको मिलेगी मात? विधानसभा का महासंग्राम। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूँ देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस समय चर्चाएं केवल राजस्थान की हैं। राजस्थान की इसलिए क्योंकि राजस्थान में चुनाव है। आप कहेंगे चुनाव तो 5 राज्यों में है, चुनाव तो मध्य प्रदेश में भी है, चुनाव तो छत्तीसगढ़ में भी है, चुनाव तो तेलंगाना में भी है, चुनाव तो मिजोरम में भी है, लेकिन राजस्थान का चुनाव अपने आप में बहुत मायने रखता है। राजस्थान एक वो राज्य है कि जहाँ कभी मुख्यमंत्री रही रानी वसुंधरा राजे सिंधिया, जो खुद में महारानी के नाम से फेमस हैं, अपनों में महारानी के नाम से जानी जाती हैं। भले ही मध्य प्रदेश के अंदर मोदी और शाह की जोड़ी ने शिवराज चौहान को पीछे करके और सामूहिक नेतृत्व की बात सामने ला करके मामा शिवराज चौहान को आईना दिखा दिया, लेकिन रानी है कि मानती नहीं। रानी है कि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं, वो कहीं ना कहीं आगे आ जाते हैं। मैं आपसे चर्चा करने चला हूँ राजस्थान की एक उस सूची की जो बीजेपी ने जारी की, 41 सदस्यों की सूची। उस सूची के माध्यम से ये मान लें कि जैसे मोदी और शाह यानी कि बीजेपी के आला कमान ने रानी को ये संदेश दे दिया कि रानी को निपटाने की तैयारी है। चुनाव के अंदर टिकट दिया गया 6 सांसदों को, एक पूर्व सांसद को, एक आईपीएस अधिकारी को, और जिन लोगों के टिकट काट दिए उनके अंदर रानी के यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया के कई नज़दीकी शामिल हैं। अपने अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि कौन कौन वो लोग थे जो रानी के नज़दीकी थे, जिनकी टिकट उड़ा दी गई, जिनको टिकट नहीं दिया गया। ये 41 सीटें जहां के लिए प्रत्याशी घोषित हुए, इनकी चर्चा भी आपसे अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल चर्चा करते हैं आपसे दो नामों पर, और वो दो नाम जो कहीं रानी की सत्ता को, रानी के वजूद को चुनौती देने के लिए सामने आए, जो कहीं ना कहीं खुद भी ये संदेश दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने वक्तव्यों में ये बता रहे हैं कि पार्टी आला कमान ने उन्हें यूं ही सांसद के पद पर रहते हुए विधायक की टिकट देकर नहीं भेजा। राजस्थान का चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है कि बाकी के 4 राज्यों के अंदर, मिजोरम की ये बात करें तो पूर्वोत्तर का राज्य है, छोटा स्टेट है, क्षेत्रीय पार्टी वहाँ की या कांग्रेस के साथ समझौता होकर के या कांग्रेस से मुकाबला होकर सरकार बनेगी। तेलंगाना के जो तमाम सर्वे बता रहे हैं, वो तमाम सर्वे ये कह रहे हैं कि तेलंगाना में बीजेपी बहुत पीछे है, कांग्रेस और BRS के अंदर वहाँ मुकाबला होने की बात चल रही है। मध्य प्रदेश की बात कहें तो तमाम सर्वे ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी मामा शिवराज का कमल मुरझा रहा है, बीजेपी का कमल मुरझा रहा है और कांग्रेस का कमल अपना नाथ बन सकता है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ भी विभिन्न सर्वे यही संदेश दे रहे हैं कि भूपेश बघेल अब भी वहाँ बेताज बादशाह बनकर सामने आ रहे हैं, यानी कि वहाँ पर आज भी कांग्रेस का जलवा कायम दिखता है। तो बचा राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पर उम्मीद है कि बीजेपी कांग्रेस से आगे रहेगी और राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार बना सकती है, ये तमाम सर्वे भी कह रहे हैं। ये सर्वे क्या होते हैं ये भी कभी बताएंगे आपको अगले वीडियो में कि आखिर ये सर्वे का खेल होता क्या है, सर्वे का खेल चलता कैसे है, और कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया मतदाताओं के दिमाग को बदलने के लिए मुख्य पार्टियों के साथ मिलकर ये सर्वे का खेल किया करते हैं, और ये सर्वे हमेशा फेल होते भी आप लोगों ने देखे होंगे। खैर, मैं आपसे चर्चा में हूँ राजस्थान की राजनीति को लेकर, और राजस्थान के अंदर रानी को ठिकाने लगाने की जो योजना बनाई है मोदी और शाह की जोड़ी ने, वो क्या है। आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे, विभिन्न खबरिया चैनलों पर भी पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और इसके अलावा सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाओं में आप देख रहे होंगे कि रानी वसुंधरा राजे सिंधिया को जो बीजेपी का आला कमान है वो कहीं ठिकाने लगाने के लिए तैयारी में है। आप इसको यूं भी मान सकते हैं कि बीजेपी के अंदर तमाम जितने भी बड़े छोटे नेता हैं, अगर पिछले समय की बात पर आप जाएंगे तो वसुंधरा राजे सिंधिया ही ऐसी नेत्री थी जिन्होंने कि 2014 के अंदर भी उस समय भी उंगली उठाई थी जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी की तरफ से नियुक्त किया गया था, प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया गया था। तो वो टसल जो चल रही थी, और क्योंकि दोनों समकक्ष रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी हुआ करते थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री रानी हुआ करती थी, और दोनों के बीच जो टसल चल रही है वो टसल आज भी जारी है।
आपने देखे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की 3-4 जो सभाएं हुई, चाहे जयपुर में हुई, जोधपुर में हुई, मेवाड़ में हुई, जहां भी पीएम मोदी गए, जहां भी वो उस जीप के अंदर सवार होकर गए, चाहे वो जीप में थे या चाहे सभाओं के मंच पर थे, रानी को तवज्जो नहीं दी गई। अगर रानी उस मंच पर थी भी सही तो दोनों में, यानी कि मोदी जी और रानी में, इस्तकबाल नहीं हुआ। और इसे आप मान लीजिए कि जो 41 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई, उसने तो ये तय कर दिया, उसने तो ये साबित कर दिया कि रानी के लिए भाजपा आला कमान में ना है। और जिन दो नामों का आपसे मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, वो हैं दिया कुमारी, यानी कि वो भी राजकुमारी हैं, और दूसरे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। आपसे दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आपसे बात करते हैं दिया कुमारी की। सबसे पहले आपने देखा होगा जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी की 25 सितंबर को परिवर्तन संकल्प महासभा हुई थी। महिलाओं का मंच था, मंच पर महिलाएं मौजूद थी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा भी मौजूद थी, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया का भाषण तक नहीं हुआ था। मंच की कमान राजसमंद की सांसद राजकुमारी दिया के हाथ में थी। मोदी की रैली की तमाम जिम्मेदारियां भी दिया कुमारी ने संभाली थी। और उसके बाद एक और कार्यक्रम हुआ था, और उस कार्यक्रम के अंदर भी जब अमित शाह पहुंचे थे तो एयरपोर्ट पर ही मिलने पहुंची थी दिया कुमारी, और वहीं से बात करके आगे चली गई थी। और जो प्रधानमंत्री की रैली थी 25 सितंबर की, उस रैली के अंदर जब तवज्जो नहीं मिली थी वसुंधरा राजे सिंधिया को, तो तभी से अटकलें पैदा शुरू हो गई थी। दिया कुमारी को वसुंधरा राजे की काट के तौर पर समझा जाने लगा, शुरू कर दिया गया था। हालांकि पार्टी यह भी जानती है कि राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया ही हैं। हालांकि भाजपा के बड़े छोटे तमाम नेता ये जानते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया के बिना बीजेपी की वैतरणी पार लगाना कोई आसान नहीं है, लेकिन मौजूद प्रधानमंत्री मोदी ने जब जब भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि उनके लिए केवल कमल का निशान है, बीजेपी के कमल के निशान को देखें, कमल चेहरा है, यानी कि कमल चेहरे का मतलब मोदी चेहरा है, उस चेहरे को देखें। और वसुंधरा राजे जैसे चेहरे को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। 1971 में जन्मी दिया कुमारी जयपुर के पूर्व राज परिवार से हैं। जयपुर राजघराना, यानी कि जो खुद को भगवान राम का वंशज मानता है, भगवान राम का वंशज बताता है। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जयपुर के आखिरी शासक महाराजा मान सिंह द्वितीय की पोती हैं दिया कुमारी। जयपुर की राजकुमारी है दिया कुमारी, और जयपुर के वर्तमान महाराज पद्मनाभ सिंह की मां है। जयपुर के पूर्व महाराजा और होटल व्यवसाय ब्रिगेडियर भवानी सिंह और पद्मिनी देवी की बेटी हैं दिया कुमारी। दिया कुमारी ने दिल्ली और मुंबई से पढ़ाई की थी। हालांकि उन्होंने महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल जयपुर से भी पढ़ाई की, और उसके बाद लंदन में डेकोरेटिव आर्ट्स का कोर्स भी किया। दिया कुमारी ने अपनी परंपरा के खिलाफ जाकर 1997 में नरेंद्र सिंह से शादी की। हालांकि 2019 में उनका तलाक भी हो गया। नरेंद्र सिंह राजमहल के अकाउंट का काम देखते थे। इसी दौरान दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों ने शादी का फैसला किया। नरेंद्र सिंह राज परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे और ना ही किसी रसूखदार परिवार से थे, इसलिए दिया कुमारी के परिवार वालों को उन दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था। दोनों ने गुपचुप तरीके से 1994 में कोर्ट मैरिज की, और लगभग शादी के 2 साल होने के बाद परिवार वालों को उनकी शादी का पता चला। कुछ समय तक परिवार में तलखियां रही, लेकिन 1997 में परिवार की रजामंदी से रिश्ते को मान्यता मिली और धूमधाम से शाही तरीके से शादी करवाई गई। दिया और नरेंद्र के 2 बेटे पद्मनाभ सिंह और लक्ष्य राज सिंह हैं, 1 बेटी गौरवी है। दिया कुमारी जयगढ़ किले, आमेर फोर्ट के साथ साथ 2 ट्रस्ट, महाराज सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय और जयपुर और जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को भी संभालती हैं। इसके अलावा 2 स्कूल और 3 होटल की भी संचालक हैं दिया कुमारी। जब दिया कुमारी लोकसभा सीट के लिए चुनाव मैदान में उतरी थी, तब उन्होंने चुनाव आयोग को अपनी जो प्रॉपर्टी का ब्यौरा दिया था, उन्होंने 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी की मालकिन होने का दावा किया था। लगभग 12.5 करोड़ रुपए की उनकी चल संपत्ति है, और जबकि अचल संपत्ति के नाम पर और भी बहुत कुछ है। 52 साल की दिया कुमारी ने वर्ष 2013 में बीजेपी ज्वाइन की। इसी साल सवाई माधोपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बनी। साल 2019 में राजसमंद कांकरोली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद बन गई। वर्तमान में दिया कुमारी राजस्थान बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी हैं। दिया कुमारी वो हैं जिन्होंने आगरा के मशहूर ताजमहल को अपना बताया था। उन्होंने कहा था कि वे अपने परिवार की संपत्ति, जिस पर कि मुगल बादशाह शाहजहां ने कब्जा कर लिया था, उन्होंने उसके साक्ष्य और दस्तावेज होने का दावा भी किया था और हक जताया था कि वो प्रॉपर्टी उनकी है। दिया कुमारी ज्वेलरी की शौकीन है, उनके पास लगभग 65 लाख रुपए से ज़्यादा के गहने हैं।
आप अगर माने तो दिया कुमारी को जो बीजेपी नेतृत्व ने आगे किया उसके पीछे दो बात देख सकते हैं कि एक तो राजपूत वोटर को साधने की कोशिश की जा रही है दिया कुमारी के जरिए, और दूसरा राजस्थान की सियासत में किसी को जीतना है तो उसको मेवाड़ जाना पड़ेगा, मेवाड़ जहाँ से दिया कुमारी सांसद हैं और उन्होंने अपने काम से मेवाड़ के लोगों का दिल भी जीता है। इसके अलावा दिया कुमारी की साफ सुथरी छवि है, हिंदुत्व की छवि है, भगवान राम का खुद को वंशज मानते हैं, और मान लिया जाए कि एक रानी के सामने दूसरी रानी कहें या दूसरी राजकुमारी बीजेपी ने प्रस्तुत कर दी यानी कि दिया कुमारी। और अब दूसरा चेहरा है राज्यवर्धन सिंह राठौर, सेना से सेवानिवृत्त हैं, कर्नल थे, सेना के अंदर सेवानिवृत्त 2013 में हुए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, मशहूर निशानेबाज रहे जिन्होंने पहला एकल पदक दिलवाया, इससे पहले हालांकि सामूहिक रजत पदक या पदक हुआ करते थे। राज्यवर्धन सिंह राठौर भी बीजेपी के अंदर एक अपना रुतबा रखते हैं, 2013 में बीजेपी में शामिल हुए थे, 2014 में सांसद की टिकट मिली, चुनाव जीते, और 2014 में चुनाव जीतने के बाद मोदी की कैबिनेट में विभिन्न मंत्रालय संभाले, 2014 से 2019 तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे, 2019 में फिर टिकट मिला, जयपुर से सांसद बने, लेकिन अब की बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया, और मंत्री ना बनाए जाने का कोई भी रंज नहीं दिखाया कभी भी राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। बीजेपी की जब भी कभी कोई बड़ी बात होती थी हमेशा पैरवी करने के लिए राजस्थान से सबसे आगे देखते थे तो राज्यवर्धन सिंह राठौर हुआ करते थे। राज्यवर्धन सिंह राठौर, आप ये मान लें कि राज्यवर्धन सिंह राठौर वो दूसरा चेहरा है जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में मानती है। विधानसभा का टिकट उनको अब दिया गया है, और मान लिया जाए कि विधानसभा का टिकट मिलने के बाद में राज्यवर्धन सिंह राठौर जहां अपनी सीट पर लड़ेंगे वहीं वो पूरे प्रदेश के अंदर स्टार प्रचारक के रूप में भी रहेंगे। और रानी वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर आप ये कह लें कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये संकेत दे दिया गया है, क्योंकि जो 41 सदस्यीय जो सूची घोषित हुई है उस सूची के अंदर रानी के समर्थकों की अनदेखी कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान क्या सोच बना चुका है। और मान लें कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने रानी वसुंधरा राजे के मुकाबले दो लोग यानी कि राजकुमारी और राज्यवर्धन तो तैयार कर दिए हैं, आगे जब सूची आएंगी तब आपसे और चर्चा करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि जो 2018 में नारे लगे थे रानी तेरी खैर नहीं और मोदी तुझसे बैर नहीं, उन सब मामलों को अगर देख लिया जाए तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ये दिखा रहा है कि रानी तेरी खैर नहीं। क्या होगा 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे, क्या होगा जब भारतीय जनता पार्टी का या जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा वहाँ के क्या हालात बनेंगे, जिस प्रकार की भी राजनीति होगी चर्चा आपसे ज़रूर करेंगे। बस इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।